सब्सक्राइब कीजिए पेट एंड वेट केयर चैनल को वेटनरी लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेट एंड वेट केयर। माय सेल्फ वेट तो सिर्फ कुरेशी। आज हम बात करेंगे एलोपेशिया के बारे में। तो एलोपेशिया का मतलब सिंपली यह है कि बालों का झड़ना। अब हम एलोपेशिया को अलग अलग स्किन डिजीज कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसी वीडियो में हम बात करेंगे आपसे और आपको बताएंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और ट्रीटमेंट के बारे में आगे बात करेंगे आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, ए डॉग इज़ द ओनली थिंग ऑन द अर्थ डेट लव्स यू मोर देन यू लव योर सेल्फ। इसका मतलब ये है कि एक सिर्फ जानवर एक ऐसा वफादार होता है जो कि आपको खुद से ज़्यादा प्यार कर सकता है, यानी जब जितना आप खुद को करते हैं उससे ज़्यादा आपको प्यार कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हेयर फॉल में गंजेपन के धब्बे मिलेंगे, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ऐसे पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं और ये मुख्य रूप से उन कुत्तों में होता है जिनके बहुत ज़्यादा बड़े बाल होते हैं और जो जिनकी एज जो है 6 से लेकर 9 मंथ के बीच में इंटरवल होती है एज, उनमें देखने को ज़्यादा मिलेंगे। और ये सीजनल भी है। सीजनल मीन्स ये जैसे अब गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों के केस में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आगे हम बात करते हैं इटियोलॉजी के बारे में। तो इटियोलॉजी के शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं एलोपेशिया वर्सेस इसके बीच में क्या डिफरेंस है। अगर इसके बीच का केस है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वेदर इट इज़ एलोपेशिया और इसके बीच। तो एलोपेशिया में सिंपली हेयर फॉल होता है, यानी बाल झड़ते हैं, बट इसके बीच के केस में हेयर फॉल के साथ साथ इचिंग होती है, सीवियर इचिंग होती है, इरिथेमा होता है यानी रेडनेस होना स्टार्ट हो जाता है और लेसिंस ओवर हेड नेक एंड फोर लिम लेसिंस। सो इटियोलॉजी की बात करें तो जो ये एलोपेशिया है ये मेनली स्टार्ट फ्रॉम नेक शोल्डर एंड कॉडल मीन्स टुवर्ड्स टेल, और ये डिफरेंट डिफिशेंसीज के कारण हो सकता है। अनबैलेंस डाइट के कारण हो सकता है, आयोडीन डिफिशेंसी के कारण हो सकता है। आयोडीन डिफिशेंसी में पार्शियल एंड कंप्लीट एलोपेशिया हो जाता है न्यू बोर्न्स में। हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स थायरॉयड सिक्रेशंस कम हो जाती हैं। जिंक डिफिशेंसी के कारण हो सकता है, विटामिन डिफिशेंसी के कारण हो सकता है लाइक विटामिन ए जिंक एट्सेट्रा, एंड एक्टो इंडोपेरासाइट्स के कारण हो सकता है, टॉक्सिसिटी के कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले जो है हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और त्वचाओं में यानी स्किन में खुजली एवं थोड़ी नुचीली प्रकार की सी दिखने को मिलती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो त्वचा सूखी एवं पपड़ी जमनी स्टार्ट हो जाती है, बेयर पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं और जो है हेयर में बिल्कुल उनकी जो ग्रोथ रुक जाती है, बाल पतले एवं छिरछिरे से होने स्टार्ट हो जाते हैं और बिल्कुल ही हमारा डॉगी जो है रेस्टलेसनेस हो जाता है बिल्कुल, और अपना हेड जो है वो बालों से लीक करता है। यही हैं इसके कुछ सिम्टम्स। अब हम आगे इसके बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो चलिए अब फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में आपको सबसे पहले जो है एक टॉनिक खरीदनी है जिसका नाम है न्यूट्रीकोट। न्यूट्रीकोट में जो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, बायोटिन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, विटामिंस होते हैं जो कि न्यूट्रिशनल कोट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको इस नाम से नहीं मिल रही तो आप कंपोजिशन के हिसाब से कोई दूसरे ब्रांड की भी आप खरीद सकते हैं। अगर स्टिल अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है एक शैम्पू खरीदनी है जो कि प्रोकोट के नाम से मिल जा सकती है आपको मार्केट में, या कीटॉप के नाम से मिल जाएगी। जो कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है हेयर कोट को आप वार्म वाटर से भिगो देना है, फिर उसके बाद सफिशेंट शैम्पू अप्लाई करना है और उसके बाद जेंटली मसाज करना है बालों को। फिर उसके बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें उसको, फिर उसके बाद 10-15 मिनट के बाद आप धो सकते हैं। ये तो रहा शैम्पू का यूज़ करने का तरीका। फिर उसके बाद आप जो है डाइट का भी ख्याल रखें, प्रोटीन एंड विटामिन रिच डाइट आपको देनी है और उसके बाद आप दूध मांस अंडे वगैरह भी दे सकते हैं अगर आपका डॉग जो है नॉन वेजिटेरियन है। और उसके बाद जो है आप स्टिल आप फेस कर रहे हैं तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है आपका कास्टेशन का। कास्टेशन आप किसी वेट से कंसर कर सकते हैं, वो आपको बता देगा जो है कैसे होता है, कास्टेशन आप करवा सकते हैं। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पेट एंड वेट केयर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए। थैंक यू।